चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे वनडे एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ मॉक टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उनमें वो उसके विस्तार से आंसर बताए जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग 7 टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां टेस्ट है। तो याद रखिए, इस तरह के जिस भी परीक्षा में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हों, फिर चाहे आपका SSC, बैंक, रेलवे या फिर कोई स्टेट भी आप देखते हैं एग्जाम होते रहते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। और एक बात और, कई लोगों का कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो याद रखिए आपने बेल आइकन है जो उसे प्रेस नहीं किया होगा, उसे मतलब दबा लीजिए, उसे मतलब एक तरह से आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इन सभी लेक्चरों की, जितनी भी क्लासें आती हैं आपकी। ठीक है, तो चलिए पहला टेस्ट हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? रुकेया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकेया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर की थी। किसकी? अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही है। रुकेया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे, उनकी बेटी थी। ठीक है, याद रखना है आपको। और अकबर आप जानते हैं कि मुगल शासक था अकबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो आपने देखा होगा कि अंतिम टाइम में अल्तुनिया से शादी की थी। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली थी। आप जानते थे कि पहले क्या हुआ करता था कि राजा अपने राज्य को बचाने के लिए अपने दुश्मनों के साथ शादी कर बेटी की शादी या बेटे की शादी करवा देते थे। आज भी अपने देश में नेताओं को देखते हैं आप लोग, एक नेता दूसरे नेता से अपनी बेटी की शादी कर देता है, इस तरह के चलते रहते हैं। तो ये उस समय भी राजनीतिक उठापटक होती थी इस तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो ये था होयसल। होयसल मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की थी और यहाँ धन संपदा आदि का विस्तार से उसने उल्लेख भी किया हुआ था। तो इसमें आप बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खिज्जी खान ने किस वंश की स्थापना की थी? खिज्जी खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने की थी सैयद वंश की। किसकी? सैयद वंश की। सी ऑप्शन सही है। इसकी बात करें तो 1414 में खिज्जी खान ने इसकी स्थापना की थी सैयद वंश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण वैसे तो मौर्य काल में हुआ था, तब इसे हम लोग उत्तरापथ के नाम से जानते थे। क्या? उत्तरपथ या उत्तरापथ। लेकिन इसका पुनर्निर्माण की बात करें तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और सड़क ए आजम इसका नाम रखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? या फिर इसे हम लोग तलीकोटा भी कह देते हैं, तालीकोटा भी कहते हैं, याद रखिए। ये हुआ था 1565 में। किस? तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कल सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें आपने देखा कि विजयनगर के सेनापति सदाशिवराव की हार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सामने, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो ये आपका 1679 में। कब? 1679 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। राजपूत विद्रोह आपका हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया गया था, इसी के कारण, इसी के विरोध में हुआ था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? शाहजहां की मृत्यु कब हुई? शाहजहां मुगल शासक था, इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी हुई 1666 में। डी ऑप्शन सही है।
आपको मालूम होगा कि जो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, इसने 1658 में अपने पिता को यानी कि शाहजहां को कैद कर लिया था और एक कैद खाने में डाल दिया गया था, जहां 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1728 में। कब? 1728 में। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में लड़ा गया था, जिसमें आपने देखा था कि निजाम बुरी तरह से पराजित हुआ था। कौन? निजाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? शनिवार वाड़ा किस संबंध से संबंधित था? वंश से। तो ये था मराठा। किससे? मराठा से। शनिवार खाड़ा, ए शनिवार खाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था और इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। शनिवार खाड़ा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई थी। आप लोगों को एक और बात याद रखनी चाहिए कि जैसे आप लोग बुक्स कितनी भी पढ़ लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं परीक्षा में और कौन परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग बुक एक पढ़िए। जैसे आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि किरण सामान्य ज्ञान की बुक्स खरीद लीजिए, उसे पढ़िए, अच्छी लिखी गई है। या फिर आप लूसेंट की बुक्स पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए। आजकल मैं देखता हूँ क्या चल रहा है कि कहीं से आपने विज्ञान पढ़ ली, कहीं से आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कहीं से आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। नहीं, एक जगह पूरा आप लोग सिलेबस लीजिए, उसे कंप्लीट करिए और उसके बाद आप जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सकें करिए। और याद रखिए, आपकी किरण सामान्य ज्ञान बुक्स हो या फिर आपकी जो लूसेंट की बात हो या फिर आपने देखा है मध्य प्रदेश जी के वो पूरा, और या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट सूची में जाइए और सब कुछ वहाँ डला हुआ है। वो इतना कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि आपको एक भी पैसा रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी के सामने आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या जो भी उसे सॉल्व करने की स्थिति में हम लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बीड़ा कौन बजाता था? तो ये औरंगजेब। कौन? औरंगजेब बजाता था। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो ये था विजयनगर। इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी कई बार क्वेश्चंस बन चुका है, हरिहर बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी और यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आगरा और सासाराम बिहार को जोड़ती थी। यहाँ आप देखेंगे कि सासाराम बिहार में जो शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और उसने अपनी राजधानी आगरा और उसका जो गृह नगर था सासाराम, इस दोनों को बीच बनाया था, इसे जोड़ा था। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? निम्नलिखित में से मैं किसकी हत्या उसके बेटे ने की? राणा कुंभा की। ए ऑप्शन सही है, राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की थी यानी कि बेटे ने। क्वेश्चन है हमारा अगला, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया है? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय यानी कि जीतने के बाद बनवाया? तो आपने देखा होगा कि सारंगपुर के युद्ध में
ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है, कितना, 37। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा गुजरात की सेनाओं पर विजय पाने के बाद इस मार्ग का रूप आपका देखते हैं कि 1442 से 1449 के बीच बनवाया गया था इसे। ठीक है, आप भी जानते थे कि पहले कोई भी उपलक्ष्य, किसी भी जीत मिली अच्छी, तो राजा क्या किया करते थे, अपनी याद रखने के लिए कोई इस तरह का निर्माण करवा देते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर के निकट ओसियान नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? जोधपुर के निकट ओसियान नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया? तो ये थे पितिहार। कौन थे? पितिहार। बी ऑप्शन सही है, ये पितिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, यहाँ नागभट्ट और मेहरभोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, कृष्ण देव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? कृष्ण देव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के नहीं थे, तमिलनाडु के भी थे, केरल के थे, कर्नाटक के थे, लेकिन महाराष्ट्र के नहीं थे। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे आप? डी। क्या लगाओगे? डी। आप जानते हैं कि कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य का एक सबसे महान शासक हुआ करता था। उसका राज्य वर्तमान में आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया है। किसने? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पूर्व पश्चिम समुद्दिशावर की उपाधि किसने धारण की? पूर्व पश्चिम समुद्दिशावर की उपाधि किसने धारण की? तो ये था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र द्वाब दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी, यानी कि समुद्र का मालिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न ईसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो ये था कालीकट। कौन था? कालीकट था। कालीकट आप जानते हैं कि भारत के मालाबार तट पर स्थित एक शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में भी कई उपयोगी लेख भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। एक बात और आपको याद रख लेना चाहिए, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है, कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत बता देता हूँ धोखे से, वैसे मेरी कोशिश तो रहती है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर सही बताए जाए, लेकिन अगर फिर भी हो जाता है, आपको पता चलता है, तो आप लोग उसे अच्छे से विस्तार से थोड़ा लिख दिया करिएगा नीचे, जिससे हमारी फैमिली का कोई दूसरा मेम्बर आता है तो वो अच्छे से जान सके। ठीक है, एक दोस्त की तरह हम सबको जोड़ के काम करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान आपने देखा होगा कि खोखर जाति के खिलाफ था। किसके? खोखरों के खिलाफ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया? महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? अलवरनी। कौन? अलवरनी। और उसने भारत के आक्रमण के समय भारत साथ आया था। किसके? महमूद गजनबी के। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, औरंगजेब किस वाद्यंत्र बजाने में निपुण था? वैसे भी पीछे भी बात कर चुका हूँ, वीणा। ए ऑप्शन सही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा 175 किराम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? तो आपको मालूम होना चाहिए, चांदी का। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे।
इसमें जो चांदी का सिक्का हुआ करता था वो 175 ग्राम का हुआ करता था, 175 ग्राम का हुआ करता था। क्वेश्चन है अगला हमारा, मलेविद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? मलेविद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? तो ये थे होयसल। कौन थे? होयसल। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पहले भी बात कर चुका हूँ, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मलेदर और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? होयसल। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, माफ करिएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है। निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है हमें। तो आपने देखा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा शासक आता है? गुलाम, फिर आपका खिलजी, फिर आप देखते हैं तुगलक, और फिर उसके बाद लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। वैसे आपको बता दूं, इसमें गुलाम वंश का शासन रहा है कि 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का शासन कब तक रहा है? 1206 से 1290 तक। फिर आता है आपका खिलजी शासक, इनका कब से कब? 1290 से 1330 तक रहता है। तुगलक वंश, इनका कब से कब तक? इनका देखते हैं आप लोग, तुगलक का 1320 से 1414 तक। इसके बाद आप देखते हैं सैयद वंश, इसका रहता है 1414 से 1451 तक। इसके बाद देखते हैं आप लोदी वंश, 1551 से 1451 से 1526 तक रहता है। और 26 में आप देखते हैं कि बाबर आता है और पानीपत का युद्ध होता है और लोदी वंश खत्म हो जाता है। ठीक है, वहां से मुगल शासक शुरू हो जाते हैं आपके। तो इसमें आप डी लगाएंगे ऑप्शन, क्या करेंगे? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, 1576 का 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के लिए। ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। ये किस किस के बीच हुआ था? राणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति था मानसिंह, इन दोनों के बीच इस युद्ध हुआ था आपका। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें, किस किस के बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये हुआ था मराठा और अफगानों के बीच। कब हुआ? 1761 में। ठीक है, याद रखिए। और पहला कब हुआ था? 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1568, सॉरी 1500, सॉरी माफ करिए, 1526 पहला और दूसरा 1556, तीसरा होता है 1761। 1761, ठीक है। पानीपत का युद्ध क्यों नाम पड़ा इसका? याद रखिए, जो हरियाणा में पानीपत इलाका है उसी के आसपास हुआ करता था, इसलिए इसका पानीपत कहते हैं हम लोग उस इलाकों को। अगला क्वेश्चन है, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो ये आप देखते हैं मोती मस्जिद। कौन? मोती मस्जिद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो यह अलवरनी ने। किसने? अलवरनी ने। अलवरनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन भी किया था। अलवरनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना भी की है। ठीक है, याद रखिए इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों यानी कि जो दावत हुआ करते थे, त्योहार होते थे, उन पर रोक लगा दी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
इसलिए लगाया था कि ये उसने सोचा विद्रोहों को दबाने और विद्रोहों की जो आशंका थी इनको खत्म करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? ए कुतुबुद्दीन, सॉरी कुतुब मीनार का। इसे किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसे? कुतुब मीनार को। लेकिन अलाई दरवाजा की बात अगर हम करें तो इसे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? कृष्णदेव राय को। और आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का ये शासक हुआ करता था। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। आप जानते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, अवधी वास्तुकला में बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो ये था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी, आपने सुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो आप जानते हैं कि नूरजहां। मेहरुन्निसा शेरे अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? यह है भगत पीपा की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? आप जानते हैं कि रामानंद। ए ऑप्शन सही है, कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे और कबीर के 12 शिष्य अनंतनाथ, ससुरानंद, सुखानंद, नारारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन, धनत्रा, रविदास। दो महिलाएं शिष्य थी, सुश्री और पद्मवती। किस तरह से नाम रखे जाते हैं बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा किस भाषा में है? अकबरनामा किस भाषा में है? ये आपकी फारसी भाषा में। और किसने इसकी रचना की थी? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हसन निजामी फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? यह थी 1175 की बात। इसने भारत के मुल्तान इलाके पर आक्रमण किया था। उस समय बात करें तो करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य हुआ करता था। ठीक है, 1175। क्वेश्चन है हमारा, किसके इस काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप जानते होंगे कि जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल में आपने देखा कि मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ, उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाने लगा।
बी ऑप्शन सही है। किस काल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहले हम लोगों ने चित्रकाल देखा है, जहांगीर का काल चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन जो शाहजहां थे, इनके काल को कहते हैं, इनके समय को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तुकला का स्वर्ण काल, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कई इमारतों का निर्माण हुआ। ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, ये सभी शाहजहां के इस काल में ही शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? एक किया था 712 ईस्वी में, और आप जानते हैं कि 712 ईस्वी में उस समय उस सिंध का राजा कौन हुआ करता था? दाहिर, दाहिर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है वही है। ये किसने बनवाया था? जजति केसरी ने। 11वीं सदी में बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से आपको 1400 साल पुराने भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो यह है चोल। किससे? चोल वंश से। नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव भगवान। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट। किससे? राष्ट्रकूट वंश से। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ, ये प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर के समय, जब हमारे भारत में अकबर का शासन था उसी समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ प्रथम। ए एलिजाबेथ प्रथम का शासन रहता है 1558 से 1603 के बीच। ठीक है, उसी समय हम देखते हैं कि भारत में किसका रहता है शासन? अकबर का। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान थानेसुर किसके दरबार में थे? ये सभी आप देखेंगे कि अकबर के दरबार में रहते थे। किसके? अकबर के। तो ये था आपका 8वां टेस्ट। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग 9वें टेस्ट में आपके साथ।